तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो, अगर इसको तुम सॉल्व करोगे, कहते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में, इट इज़ पॉसिबल टू ए प्रोजेक्टाइल ऑफ गिवन स्पीड, मतलब एक स्पीड यू सेम रखो टू पॉसिबल वे सो दैट सेम हॉरिजेंटल रेंज हो। देखो हम सबको पता है, अगर एक एंगल थीटा, तो दूसरा एंगल अगर अगेन उसी स्पीड से 90 माइनस थीटा हो तो रेंज सेम होता है। मतलब अगर पहले वाले में रेंज R1 है और R2 है, तो रेंज R1 बराबर है R2, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले वाला एंगल 30 है और दूसरा वाला 60 है, जो कि 90 माइनस 30 है, तो रेंज सेम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसका ये आप कंडीशन पढ़े होंगे, अल्फा प्लस वन अल्फा टू का सम 90 हो तो रेंज सेम होता है। तो आई होप कि आप बेसिक जानते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इन दो टू केस, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिखूँ, तो यू स्क्वायर टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फार्मूला होता है, 2u sin θ/g, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे वाले में लिखोगे तो यह आ जाएगा 2u sin और 90 माइनस θ/g। तो अगर देखोगे तो 2u यहाँ से cos θ/g। अब यहाँ क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब T1 और मल्टीप्लाइड बाई T2 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो 2u sin θ/g और मल्टीप्लाई के यहाँ से 2u cos θ/g। तो इसको फाइनली अगर तुम सॉल्व करोगे तो 2 यहाँ से बाहर ले लो, यू स्क्वायर यहाँ से, और sin θ cos θ, और ये यहाँ से 1g यहाँ से कॉमन ले लो और 1g यहाँ रख दो, तो ये पूरा रेंज बना, मतलब 2r/g, ठीक है ना। ये 2u स्क्वायर यहाँ से 2u² sin θ cos θ रेंज बन गया, मतलब 2r/g, मतलब बी ऑप्शन अपना सही हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रेंज इतना होगा।